जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल सीमास किचन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्यारे ओडिया भाई बहनों को और ओडिशा वासियों को रज संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं आप सबके लिए ओडिशा का फेमस डिश पोड़ो पिठा का रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और सॉफ्ट भी है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पोड़ो पिठा बनाने के लिए मैं दूध 1 लीटर ली हूँ, चावल 400 ग्राम ली हूँ। मैं आज दूध का पोड़ो पिठा बनाऊँगी। उसमें डालने के लिए आधा कप कटा हुआ नारियल ली हूँ, आधा कप घिसा हुआ नारियल ली हूँ, 1 चम्मच इलायची पाउडर ली हूँ, 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स में काजू ली हूँ और 1 कप चीनी ली हूँ और स्वाद अनुसार नमक ली हूँ। पोड़ो पिठा बनाने के लिए पहले हमें चावल को धो के उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो पेस्ट के बदले चावल का आटे में भी बना सकते हो। मैं यहाँ चावल को धो के अच्छे से फाइन पेस्ट बना ले रही हूँ पानी डाल के। आप यहाँ पानी की जगह दूध में भी पेस्ट बना सकते हो दूध डाल के। अब देखिए इस तरह फाइन पेस्ट बन गया है। अब चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब गैस का फ्लेम ऑन करके उसमें एक मोटी तले वाला कढ़ाई चढ़ा ली हूँ और 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। थोड़ा ड्राई फ्रूट को उसमें फ्राई कर लेंगे। मैं काजू ली हूँ, आप चाहे तो किशमिश और बादाम वगैरह ले सकते हो या फिर ये ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा इसमें मुंह में आने से अच्छा लगता है पीठा में। काजू फ्राई हो गया है, अब थोड़ा घी भी बच गया है उसी में हम दूध को डाल देंगे। 1 लीटर दूध में ली हूँ, सारे दूध को डाल दे रही हूँ। अब उसको उबाल आने के लिए दूंगी। अब दूध में उबाल आ गया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और सारे सामग्री को डाल दे रही हूँ। काजू, नारियल, कटा हुआ नारियल, घिसा हुआ नारियल, इलायची पाउडर और शक्कर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं शक्कर। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लीजिए, नहीं तो कम लीजिए ले सकते हैं। आप यहाँ चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। अब उसको अच्छे से मिला ली हूँ और उसमें उबाल भी आने लगा है और दूध थोड़ा भी कम हो गया है। और जो पेस्ट बनाए थे चावल का उसको डाल के चलाते रहेंगे। जब दूध में उबाल आने लगा तो मैं गैस का फ्लेम को स्लो कर दी थी। अब ये जो प्रोसेस है स्लो फ्लेम पर करना है और सारे पेस्ट को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो नीचे तले लग जाएगा और गुठली भी पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा इसको ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि ये डो की तरह ना बन जाए और अच्छे से पक के डो की तरह बन जाए, तब तक ऐसे चलाते रहना है। जब ये बन जाएगा, नीचे तले छोड़ने लगेगा कढ़ाई इस तरह। अब ये बन गया है, इसको पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुका है, ये परफेक्ट बन गया है। आपको अगर जानना है कि ये कैसे हुआ है कि नहीं, आप थोड़ा पानी हाथ धो के उसको टच करेंगे तो हाथ में नहीं लगेगा। अब कढ़ाई को मैं निकाल ली हूँ और एक दूसरा मोटे तले वाला कढ़ाई ले ली हूँ। उसमें छोटा छोटा 2 टुकड़ा केले का पत्ता डाल दी हूँ और 1 चम्मच घी डाल के जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल दिए। आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो
आप बटर पेपर भी ले सकते हो, क्योंकि नीचे ज़्यादा ना जल जाए इसीलिए मैं केले का पत्ता दी हूँ। और जो पेस्ट है, डो है, उसको अच्छे से चारों तरफ से साइज करके सेट कर लेना है कढ़ाई में। इस तरह पानी हाथ धो के और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है इसीलिए। और ऊपर में थोड़ा घी डाल के मैं इसको अच्छी तरह ग्रीस कर दे रही हूँ, और ऊपर से थोड़ा काजू और नारियल होगा तो नारियल से सजा दे रही हूँ, जिससे कि पीठा का लुक अच्छा दिखेगा और खाने में भी अच्छा लगता है। इस तरह सजा के गैस का फ्लेम को स्लो में ही रखना है और उसको पकने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ढक के धीमी आंच पर। अब इसमें मैं एक ढक्कन दे दी हूँ और गैस का फ्लेम को स्लो करके आधे घंटे के लिए छोड़ दी हूँ। अब आधा घंटा हो गया है, मैं चेक कर ले रही हूँ हुआ है कि नहीं। नीचे से अच्छे से बन गया है, ये एकदम सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत टेस्टी है। अब बन गया है नीचे की तरफ से। अब गैस का फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। जब ठंडा हो जाए तो उसको मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। देखिए नीचे की तरफ कितना अच्छा प्यारा कलर आया है और कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके कुक हो गया है और एकदम सॉफ्ट है। अब ऊपर का साइड नीचे रह गया है और एक दूसरा प्लेट लेके मैं नीचे का साइड को ऊपर का साइड को नीचे कर दी थी। अब और एक कढ़ाई में उसका जो ऊपर साइड है नीचे करके उसको कुक होने के लिए 10 मिनट के लिए गैस पर चढ़ा दी हूँ और उसमें थोड़ा घी डाल दी हूँ, नीचे का साइड ऊपर का साइड अच्छे से कुक हो जाए। ढक के छोड़ दी हूँ, धीमी आंच पर करना है। अब 10 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल के मैं चेक कर रही हूँ हुआ है कि नहीं। एकदम गर्म है और अभी इसका उठाएंगे तो रिक्स है, टूट जाएगा, इसीलिए मैं पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ गैस का फ्लेम को ऑफ करके। अब 2 घंटा हो चुका है, एकदम ठंडा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना है दोनों साइड। ये ऊपर साइड है और ये नीचे साइड है। देखिए कितना अच्छा बना है, दूध का पोड़ो पीठा, ये जगन्नाथ महाप्रभु का फेमस डिश है, जो प्रसाद लगता है उनके पास। देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट बना है और खाने में भी बहुत मीठा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार अपने घर में ये इसको बना के देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट है। थैंक यू।